हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अननोन अबाउट हिमाचल पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के साथ हिमाचल के कुछ अनजाने और जाने जाने वाले तथ्यों को शेयर करूंगा। आशा है कि आपको यह अच्छा लगेगा। इसी गति में हमारा पहला एपिसोड दक्षाई द अनटोल्ड स्टोरी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। दक्षाई उत्तर भारत में स्थित हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक जगह है। यह जगह अपने आर्मी कंटोनमेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की खूबसूरती को देखकर किसी का भी मन यहीं बसने का करेगा। यहाँ कभी ब्रिटिश राज हुआ करता था, इसलिए जाहिर है कि यहाँ कब्रिस्तान का होना कोई अजीब बात नहीं है। यह कब्रिस्तान खूबसूरत तो है ही, लेकिन अपने अंदर कुछ राज लिए बैठा है। तो आइए जानते हैं दक्षाई द अनटोल्ड स्टोरी। हिमाचल प्रदेश के सोलन से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दक्षाई, जो भारत का एक बहुत पुराना कैंट टाउन है। यह समुद्र तल से 5600 मीटर पर स्थित है। इस स्थान की खूबसूरती देखकर किसी का भी मन यहीं बस जाने का करेगा। दक्षाई कोई फेमस टूरिस्ट विलेज या कोई शापित जगह नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हॉन्टेड माना जाता है। दक्षाई की खूबसूरत वादियां, हरियाली, पहाड़ों को देखकर इस जगह को हॉन्टेड मानना मुश्किल है, लेकिन दूसरी हॉन्टेड जगहों से इसका इतिहास काफी अलग है और इसका इतिहास ही शायद इसे हॉन्टेड बनाता है। पुराने समय में मुगल मौत की सजा के लिए अपराधियों को यहां भेजते थे, इसलिए इसका नाम दागेशाही पड़ गया, जिसका मतलब है शाही दाग। धीरे धीरे यह नाम दक्षाई हो गया। दक्षाई एक आर्मी कंटोनमेंट है, जहां कुछ आर्मी बिल्डिंग्स, कुछ स्कूल्स, लोकल होम्स और कब्रगाह है। दक्षाई में कब्रिस्तान की चर्चा अच्छी और बुरी दोनों वजह से होती है। माना जाता है कि यह कब्रिस्तान ब्रिटिश राज के समय का है। बताया जाता है कि एक मेजर जॉर्ज वेस्टर्न नाम का ब्रिटिश आदमी दक्षाई में अपनी पत्नी मैरी के साथ रहता था। मेजर डॉक्टर था और उसकी पत्नी नर्स, दोनों को कोई बच्चा नहीं था। ईश्वर की कृपा से पति पत्नी को एक संत मिले, जिन्होंने आशीर्वाद के रूप में एक ताबीज दिया। इसके बाद मेजर की वाइफ प्रेग्नेंट हुई, लेकिन प्रेग्नेंसी के 8वें महीने में ही उसकी मौत हो गई। यह बात साल 1909 की है। मेजर ने अपनी पत्नी और अनजन में बच्चे के लिए बहुत बढ़िया कब्र बनवाई। इसमें लगा हुआ संगमरमर इंग्लैंड से मंगवाया गया था। समय बीतता गया और मैरी की कब्र की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने मान लिया कि जो गर्भवती महिला मैरी की कब्र से संगमरमर का टुकड़ा ले जाएगी, उसको बेटा पैदा होगा। कई लोगों ने बेटी को जन्म ना देने के लालच में वहां से संगमरमर ले जाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि संगमरमर से बना खूबसूरत स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें कब्र पर मैरी का भूत घूमता दिखाई दिया है। लोगों को लगा कि अपनी कब्र को बचाने के लिए मैरी की आत्मा ऐसा करने लगी है। इस हिल स्टेशन में सिर्फ कब्र कहा ही हॉन्टेड नहीं, दक्षाई सेंट्रल जेल जो कि 1849 में बनी थी, उसके साथ भी बहुत बुरी घटनाएं जुड़ी है। इस जेल में कई लोगों की मौत हुई और यातनाएं दी गई, इसलिए यहाँ के वातावरण को भी नकारात्मक माना जाता है। साल 1849 में बनी यह जेल टी आकार की है। दक्षाई जेल कैदियों पर होने वाले जुल्म के लिए काफी फेमस थी। इस जेल में भारतीयों कैदियों के साथ आयरिश सैनिकों को भी रखा गया था। इन पर होने वाले जुल्मों की कहानी सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। यह जेल उस दौर में हिमाचल के काला पानी के नाम से फेमस थी। इतना ही था दोस्तों, दक्षाई द अनटोल्ड स्टोरी हॉरर हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की इस एपिसोड में।
सो आशा करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।